हेलो बच्चों, आप लोगों का अभी अभी टेस्ट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ट में जितने क्वेश्चंस थे सब में एक कॉमन स्टेटमेंट थी। कॉमन स्टेटमेंट वाज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। सो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से करते हैं स्टार्ट। जो आपको डायग्राम दिया गया था वर्चुअली लाइक दिस, इसमें लेफ्ट और राइट वाली ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर्स मिलाकर बन जाएगी एक फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट वायर, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर डॉट होगा और कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सो दिस वी नो, सर्कल के सेंटर पे आप अपना राइट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इनवर्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, और कितना है फील्ड, श्योरली म्यू नॉट आई बाय 2 आर। एक फील्ड क्रॉस एक डॉट, क्रॉस वाले का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही आएगा, और दोनों को जब आपने किया सब्ट्रैक्ट, ये है इस पार्ट का नेट आंसर। मूविंग टू सेम क्वेश्चन पार्ट टू। पार्ट टू के डायग्राम में दिस इज द सिनेरियो। सो नीचे वाली वायर नंबर 1 की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड है डॉट, ऊपर वाली वायर 2 की वजह से यहाँ फील्ड है क्रॉस, ये दोनों इक्वल बट ऑपोजिट कैंसल हो गए। सेमी सर्कुलर वायर 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, इट इज म्यू नॉट आई बाय 4 आर एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। सो इन थर्ड, सेमी इनफाइनाइट वायर इज गिवन जो सी पॉइंट से शुरू होती है, इसके बहुत पास एक पॉइंट है ओ एट अ सेपरेशन आर। सो आपने जरूर जज कर लिया होगा कि जब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम ओ टू सी, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, यस आर ही है, और सिमिलरली जब आपने ओ को सी से ज्वाइन किया तो एंगल अल्फा 0 डिग्री, दूसरा एंड नीचे इंफिनिटी पे गया तो बी 90 डिग्री, बीटा 90, अल्फा पता है, फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट डाउनवर्ड्स है सो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, डायरेक्शन हो गई डॉट। नंबर 4 बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन। सो इन द गिवन प्रॉब्लम इस स्ट्रेट वायर नंबर 1 की एक्सिस पे पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस 0, इवन वायर नंबर 2 की भी एक्सिस पे है, इसकी वजह से भी 0, और क्योंकि करंट आया था आई, एज्यूमिंग की वायर के अपर और लोअर पोर्शंस की यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है। रिमेंबर ये चीज क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखी होगी, बट अगर अपर पार्ट और लोअर की रेजिस्टेंसेस को इक्वल माने, विच इज द डिफॉल्ट एजम्पशन, तो दोनों की रेजिस्टेंस है आर इंच, क्या करंट दोनों रेजिस्टेंसेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्या वजह है उसकी, बोथ द रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल अरेंजमेंट, अपर वाले की वजह से फील्ड क्रॉस, लोअर सेगमेंट की वजह से फील्ड डॉट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ आ गया है 0। सो आई डू होप हमें ये पार्ट भी क्लियर हो रहा है। कमिंग टू द पार्ट नंबर 5। सो इन फिफ्थ क्वेश्चन, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, क्लॉकवाइज वाले की वजह से फील्ड है क्रॉस, इसे सर्कल नंबर 1 कह लेते हैं, तो म्यू नॉट आई बाय 2 R1, और फील्ड की डायरेक्शन ऑफ कोर्स क्रॉस, लेकिन ग्रेटर रेडियस वाले R2 रेडियस वाले दूसरे सर्कल में
करंट है लाइक दिस, इसकी वजह से भी फील्ड हो जाएगा क्रॉस, और कितना म्यू नॉट आई बाय टू आर टू, दोनों फील्ड्स को ऐड कर दीजिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कम्स आउट टू बी दिस एक्सप्रेशन। हाँ जी, एकदम इजी चीज, और बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा इवन क्वेश्चन नंबर 6 में भी, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज कि इन 6th मोर और लेस सेम सिनेरियो, बस इस बार आउटर सर्कल में फील्ड है, सॉरी करंट है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इनर का फील्ड हो गया कैसा क्रॉस, लेकिन आउटर का फील्ड डॉट, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, सो म्यू नॉट आई बाय टू आर वन माइनस म्यू नॉट आई बाय टू आर, सो क्योंकि इनर वाले का रेडियस कम है, उसका फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही आने वाला है। दिस ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 7। एज एक्सपेक्टेड डायग्राम इज लाइक दिस, सो ये हो गया पॉइंट ओ, सो करंट है आई, इट इज अ स्क्वायर हैविंग थ्री साइड्स ईच ऑफ लेंथ ए, एंड सो वायर नंबर 1 हो या 2, दोनों का फील्ड है डॉट, और बी वन बी टू ईच इज इक्वल टू, हां जी वैल्यू कितनी है, एक एंड इन्फिनिटी पे है, वायर 1 की बात करें तो अल्फा बीटा में से एक एंगल हो गया 0, बट यू ऑलरेडी नो कि पहले आप वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसकी लेंथ आप मान लेते हैं कैपिटल आर, जो इस केस में कितनी है ए बाय, वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए वायर को एक्सटेंड करना पड़ा, तो ये वाला जो एंगल अल्फा है ये क्या हो जाएगा साइन वाइज नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड वाइज ये भी ए बाय टू, तो इट इज 45 डिग्री, लेकिन ये एंगल अल्फा का साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, सो फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a/2, हां जी उसे 2 पाई a लिख लें, इनटू साइन -45 प्लस साइन 90, यानी कि इन दोनों में से हर एक का फील्ड इतना हो गया, सो बेसिकली बी वन प्लस बी टू इन दोनों का फील्ड डॉट है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इसे डबल किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, एंड ऑफ कोर्स इट इज डॉट, स्क्वायर की तीनों साइड्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और किसी एक साइड को अगर कंसिडर करें जैसे ये वाली साइड, इस एक साइड के लिए यह बात तो क्लियर है कि कैपिटल आर कितना है ए बाय टू, अल्फा बीटा दोनों की ही वैल्यू कितनी 45 डिग्री ईच, सो ये जो साइड्स हो गई 3 4 5, इन तीनों की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, और फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज कितना है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, यानी कि B3, B4, B5 तीनों का सम अगर करें तो तीन इक्वल वैल्यूज को ऐड किया, पहले ही इंटू 3 लिख लेते हैं, आगे आ गया म्यू नॉट आई बाय √2 पाई है, सो आई डू होप ये बात क्लियर हो रही है, सो 3 म्यू नॉट आई बाय √2 पाई a। उसके बाद की चीज में अगली स्लाइड पे कंटिन्यू कर लेता हूं, सो एज अ रिजल्ट आपके पास B1 प्लस B2 है जिसकी डायरेक्शन थी डॉट, B3 प्लस B4 प्लस B5 है जिसकी डायरेक्शन आ गई थी क्रॉस, और जिसका मैग्नीट्यूड आ गया था ये, क्या हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
आंसर। ये छोटी सी एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, जो बोर्ड में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। सिंपली देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए। पिछले क्वेश्चन में भी इस टाइप की प्रैक्टिस हो ही गई है आप लोगों की। तो चारों साइड्स की वजह से फील्ड है इनवर्ड, तो नेट फील्ड एट ओ पहले ही 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर होता है, लेकिन इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर, सॉरी स्क्वायर के सेंटर ओ से किसी एक साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कितना? ए बाय टू। तो 4 पाई इंटू ए बाय 2 कितना हो गया? 2 पाई ए। अल्फा बीटा दोनों की ही वैल्यू कितनी है? 45 45 इंटू 2 sin 45 आ गया है फाइनल आंसर, जिसमें आपको बड़ा इजीली अब डायरेक्शन भी पता है क्रॉस। आई डो होप सारे क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आ रहे हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे हो चुके हैं। 9th क्वेश्चन पे स्टार लगा सकते हैं, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन 100% ठीक नहीं है। बहुत बच्चों ने शुरुआत सही की है, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। सो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या चारों साइड्स की वजह से नाम पी क्यू आर एस रख लेते हैं? क्या चारों साइड्स की वजह से फील्ड इनवर्स ही है ना? तो पी क्यू और आर एस इन दोनों की सिर्फ मैं बात करूंगा। इस रेक्टेंगल में आपको जो डायमेंशंस दे रखी हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। सिर्फ पी क्यू और आर एस दो की बात है, तो इंटू टू कर लिया। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर में आर कितना है? बी बाय टू। तो मैं रिपीट करता हूं, ये डिस्टेंस आर कितना हो गया? बी बाय टू। तो 4 पाई b/2 को ऑलरेडी लिख दिया है 2 पाई b इनटू, एज्यूमिंग कि ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 sin थीटा। बट व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। रिमेम्बर इन ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर है a बाय टू, हाइपोटेन्यूज कितना है? क्या रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ √a² + b² थी? उसका हाफ, इजंट इट? तो आई रिपीट, साइन थीटा हो गया a/2 / √a² + b²/2। ये वैल्यू बड़े ध्यान से लिखने वाली है। आप लोगों को टेस्ट की रिकॉर्डिंग भेजने का एक मकसद ये भी है कि आप इसे बार बार देख लें। बाय सिमिलर लॉजिक, व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर प्लस एस पी? दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, शुरू में ही इंटू टू लिख लिया। इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? ए बाय टू। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a/2 ये हो गया, इंटू एज्यूमिंग कि ये एंगल है फाई, ये भी फाई, तो 2 sin φ। और साइन फाई क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। चारों वैल्यूज को इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, आपको आंसर मिल गया, क्योंकि हर एक की वजह से डायरेक्शन तो इनवर्ड ही है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ऑफ कोर्स इट इज क्रॉस, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऐड किया। सो म्यू नॉट आई बाय पाई ए प्लस म्यू नॉट आई बाय पाई बी। तो देखिए, म्यू नॉट आई बाय पाई कॉमन ले लिया, √a² + b² डिनोमिनेटर वाला भी कॉमन ले लिया। आगे क्या बचा? ए बाय बी प्लस बी बाय ए, विच मीन्स कि अगले स्टेप में लिटल बिट मैथ्स और करेंगे, तो न्यूमरेटर में बच गया a² + b² डिनोमिनेटर में ए बी। हाँ जी, ऊपर a² + b² नीचे उसकी पावर 1/2। क्या ऊपर आंसर √a² + b² लिख लें? सही बात है। सो फाइनल आंसर जो आ गया है आपका, कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज एक्चुअली म्यू नॉट आई बाय पाई ए बी √a² + b² ये टेस्ट का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन था।
हाँ जी, डन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। सो नंबर 10 में डायग्राम कुछ ऐसा है लाइक दिस। सो करंट आई आया, तीन साइड्स में डिवाइड हुआ, आई बाय फोर, आई बाय फोर, आई बाय फोर। इन तीनों का ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डॉट, जिस साइड में करंट गया 3i/4। सो द फैक्ट इज, एज यू विल सी, स्क्वायर के चारों साइड्स की वजह से नेट फील्ड जीरो आ जाएगा। क्यों? सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर सिर्फ इस i/4 करंट की वजह से फील्ड है बी, इसका भी बी, इसका भी बी, तो नेट 3b क्रॉस। तो सिर्फ इस अकेली एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 3b हो जाएगा, क्योंकि उनके कंपैरिजन इसमें इसमें करंट 3 टाइम्स है, फील्ड थ्राइस और डायरेक्शन डॉट। हाँ जी, नेट फील्ड कितना आ गया इन चारों साइड्स की वजह से? जीरो। बट अभी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी इस साइड की वजह से और इसकी वजह से, जो आपको ऑलरेडी पता है कि कितनी होगी। दोनों की वजह से फील्ड है डॉट, शुरू में ही 2 लिख लेते हैं। किसी एक साइड को कंसीडर कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a/2, एज्यूमिंग स्क्वायर है साइड लेंथ a, एंगल अल्फा बीटा। अभी अभी एक क्वेश्चन में भी यही बात थी, अल्फा बीटा की वैल्यूज भी अब आपको पता है, और बस यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो म्यू नॉट i/4 π a/2 इंटू साइन ऑफ -45, जो बाद में लिखा है, प्लस sin 90। आई डू होप हमें बढ़िया से प्रॉब्लम क्लियर हो रही है। ये सब अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, एंड आई कैन से अगर आप ये 15 क्वेश्चंस भी करके बोर्ड में जाते हैं, बोर्ड प्री बोर्ड में, इस थीम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर आई कैन जस्ट गिव यू अ स्मॉल हिंट। ये वायर और ये वायर, इन दोनों की एक्सिस पे है पॉइंट ओ, इन दोनों की ही वजह से ओ पे फील्ड कितना? जीरो। इन दो साइड्स का फील्ड क्रॉस, इन दो का डॉट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ आ जाएगा जीरो। क्वेश्चन 12, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है और क्लास में ही प्रोबेबली 2 बार हो गया था। सर्कल की दोनों स्ट्रेट एंड्स की वजह से फील्ड जीरो, सिर्फ सेमी सर्कल की वजह से फील्ड आएगा म्यू नॉट i/4r, और डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस। देन मूविंग टू 13, वेयर वी से फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहां पर भी वायर की दोनों साइड्स स्ट्रेट साइड्स की वजह से फील्ड जीरो। तो R1 रेडियस की वजह से म्यू नॉट i/4 R1 क्रॉस, और आउटर साइड की वजह से म्यू नॉट i/4 R2 डॉट। लेकिन क्रॉस वाला फील्ड ग्रेटर मैग्नीट्यूड का था, आपके पास इजीली आंसर आ गया। मूविंग टू नंबर 14, सो इस बार भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ओनली देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। सो पिछले केस की ही तरह इन दोनों स्ट्रेट वायर्स की वजह से ओ पे फील्ड कितना? जीरो। लेकिन अब R1 और R2 रेडियस दोनों की वजह से फील्ड है क्रॉस, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। सो म्यू नॉट i/4 R1 प्लस म्यू नॉट i/4 R2 दोनों क्रॉस ऐड हो जाएंगे। कमिंग टू लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15, सो सिचुएशन इज लाइक दिस। एक स्ट्रेट वायर है, 3/4 सर्कल है,
और फिर एक सेमी इनफाइनाइट वायर। तो ये जो वायर नंबर वन है इसकी वजह से तो ओ पॉइंट पे फील्ड कितना, जीरो। ये जो थ्री फोर्थ सर्कल है इसे कर्व नंबर टू कह लेते हैं। तो थ्री फोर्थ सर्कल के लिए थ्री फोर्थ इंटू म्यू नॉट आई बाय टू आर। ये चीजें तो आप सबकी टिप्स पे हैं और डायरेक्शन क्रॉस। लेकिन इस सेमी इनफाइनाइट वायर नंबर थ्री की वजह से फील्ड है डॉट और कितना, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई आर। रीजन बीइंग अल्फा इज जीरो, बीटा एंगल इज 90 डिग्री। सही बात है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया। यही टेस्ट की डिस्कशन थी। सो सारे टेस्ट में अपीयर जरूर होते रहिए। मेक श्योर जो भी क्वेश्चन गलत था उसका सॉल्यूशन लिख लें। थैंक यू।